यार आज हम एक बहुत अच्छा केस कंप्लीट कर रहे हैं। हमारे साथ एक ग्रैंड मदर हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ती हैं जब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं बच्चों के। ये बताइए आंटी जी, क्या तकलीफ थी थोड़ा सा ट्रीटमेंट और इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? मैं शशि जलवान, हम उत्तराखंड से हैं और टिहरी गढ़वाल से, तो न्यू टिहरी टाउन में रहते हैं। तो वहां से हम यहाँ इंदौर आए थे अपनी बिटिया के पास। तो मेरी छोटी पोती है, उसको दांतों की काफी परेशानी थी, उसको बहुत कैविटी थी। वो कुछ ऐसा था कि हम लोग भी मतलब शुरू से थोड़ा ये समझिए कि इग्नोर ही कर दिया, लापरवाही रही थोड़ी, अब करेंगे तब करेंगे, तो वो परेशानी बढ़ती ही गई, तो काफी ज्यादा बढ़ गई वो दिक्कतें। तो अब यहाँ आए थे तो हमें इन डॉक्टर साहब के बारे में मालूम पड़ा कि, तो हम इनके पास आए। इन्होंने देख करके जो भी हमें बताया तो हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, तो काफी अच्छे से उन्होंने उसका ट्रीटमेंट दिया है, तो जिससे मुझे काफी संतुष्टि हुई है। और ट्रीटमेंट के दौरान जो आपके प्रश्न थे उनके जवाब आपको मिले? हाँ बिल्कुल मिले हैं, मुझे काफी संतुष्टि हुई है अपने जो भी मेरे क्वेश्चन थे उनसे। और जैसे कि बच्चों के प्रति कई बार पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, स्पेशली लाडले बच्चे होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स को, तो वो बड़े चिंतित रहते हैं कि छोटा बच्चा कैसे कराएगा। और अभी शनाया कितने साल की है? शनाया 5 ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसमें मतलब डॉक्टर साहब मैं कहूंगी कि काफी अच्छा हाथ है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, काफी अच्छे से अपना ट्रीटमेंट लिया है। और कोई इंजेक्शन वगैरह भी हमने? कोई भी कुछ भी नहीं, मतलब मैं खुद से हैरान थी कि इसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई भी मतलब ऐसी इन्होंने सुन करने वाली कोई ऐसी दवाई स्प्रे की हो कुछ भी नहीं किया। मतलब क्लिनिक के माहौल के बारे में आपकी क्या राय? क्लिनिक का माहौल भी काफी अच्छा है, मतलब जितना भी मैं कहूँ उतना कम होगा इसके लिए, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। मेनली हमारे लिए जो हमारा टेलीविजन है डिस्ट्रैक्शन, जो हम जो नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर बने, मतलब बिना कोई दवाई या गैस सुंघाए या बेहोश करे जो ट्रीटमेंट करने की जो टेक्निक है, जिसको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल बिहेवियर मैनेजमेंट बोलते हैं। क्योंकि क्या है, ये बच्चों के साथ काम करना पेशेंट्स का काम। बिल्कुल, बच्चों को समय देंगे तो वो धीरे 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 हमारी बॉडी लैंग्वेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो सिंपल ट्रीटमेंट्स के साथ हमने शुरू किया, हमने पहले बड़ी बड़ी कैविटीज को ठीक किया, फिर धीरे 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 और इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करे, फिर हमने और भी सारे इंस्ट्रूमेंट से हमारे वो सारे यूज किए, उसका रूट कैनाल भी किया, कैप भी लगाया, सारी चीजें हमने करी। तो इस तरीके से बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाता है। तो हमेशा मैं यही बोलूँ कि पेरेंट्स जो है वो संकोच ना करें, ये विचार मन से हटा दें कि छोटा बच्चा है कैसे कराएगा। डेफिनेटली जब उसको यहाँ माहौल में लाएंगे, या कोई भी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो बच्चों के लिए काम करते हैं, उनकी पूरी करने का तरीका ही ऐसा होता है कि वो बच्चों के लिए कंफर्टेबल होता है। अब मैं जो एक मेन सवाल आता है कि ग्रैंड पेरेंट्स का जो प्यार है आजकल वो चॉकलेट्स के प्रति ज्यादा रहा है, और ऐसा आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, चॉकलेट एक्सपोजर ज्यादा था, तो क्या ऐसी बात जो आप मैसेज देना चाहेंगे जो पेरेंट्स सुन रहे हैं? क्योंकि जब पेरेंट्स आते हैं, माता पिता आते हैं, तो उनकी हमेशा शिकायत होती है कि हम तो नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं से ग्रैंड पेरेंट्स या घर में और लोगों से उनको मिलती है। तो कैसा आप तो इस चीज को? मैं यही कहना चाहूंगी इस बारे में कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो तो अपने प्यार में देते ही है। काफी क्या है कि हमारे यहाँ भी मेहमान लोग भी आते हैं और भी आ जाते हैं, तो वो लोग भी आजकल तो यही है कि चॉकलेट दे दो, बच्चों को चॉकलेट दे दो, पेरेंट्स भी देते हैं चॉकलेट्स। लेकिन मैं जितना अभी तक जान चुकी हूँ तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को चॉकलेट टॉफी वगैरह नहीं देनी चाहिए। कोई भी मतलब ऐसे नहीं है कि वो बहुत हेल्दी चीजें हैं, उससे हमें जो है नुकसान ही होता है। उससे अच्छा है कि अपने बच्चों को हम और चीजें खिलाएं, हेल्दी फूड खिलाएं, हेल्दी जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए वो खिलाएं, फ्रूट्स हो गए वो खिलाएं, तो वो ज्यादा उनके लिए अच्छा है। तो मैं इससे पहले मेरे बिल्कुल भी मतलब ऐसी सोच नहीं थी, मैं तो यही मैं खुद से यही सोचती थी कि कैसे होगा, लेकिन यहाँ आके तो मेरी सोच ही बदल गई कि बिना इंजेक्शन और बिना उसको किए भी ये सब हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। मेरा जो एक्सपीरियंस 13 साल का बोलता है, ये बोलता है कि बच्चे इतने अच्छे से मोल्डेबल होते हैं, मतलब बच्चों के साथ काम करना है, बच्चों से काम निकलवाना इतना इजी है, बस थोड़ा सा आपको उनको समझना होगा। और इसको हम बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग,
है ना, ये साइंस का एक शब्द है जिसमें कि काफी तरीके से अध्ययन भी है। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यही कहती है कि बच्चों को बच्चों के लेवल पे जाके फिर वहां से उनको उस चीज पे समझाया जाए और बच्चों की इतनी जल्दी उनके कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, उनका डर इतनी जल्दी खत्म हो जाता है जब कभी उनको हम सही तरीके से उन चीजों की जानकारी दे दे, सही शब्दों का इस्तेमाल करके उनको जानकारी दे। बिल्कुल। और फिर मैं दूसरा एक बात और कहनी चाहूंगी कि जैसा हम करते आ रहे हैं और करते हैं सभी लोग कि बच्चों को जैसे कैविटी वगैरह ये होती है तो हम जैसे डेंटल होते ही हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं कि बड़ों को देख रहे हैं, हम बच्चों को भी उन्हीं को दिखा देते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि मुझे ये मालूम पड़ा है कि काफी फर्क होता है। तो पीडियाट्रिक जहाँ पे भी डॉक्टर हो, जो भी जहाँ पे आपको अवेलेबल हो, आप उनके पास ले जाइए, उनको दिखाइए, उनका अपना ही ट्रीटमेंट है जो बच्चे बहुत अच्छे से लेते हैं और करने देते हैं, करवाते भी हैं। ठीक है, ये सब बातें तो हुई ट्रीटमेंट की, लेकिन मैं यहाँ पे अंत में जरूर बोलूंगा कि इन सभी चीजों से, समस्याओं से बचा जा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी है कि जो समस्याएं थी वो ब्रेस्ट फीडिंग का ना होना और फिर बॉटल फीड का इस्तेमाल होना और वो कैसे आगे बढ़ती गई, तो इन सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने जो फर्स्ट 1000 डेज मुहिम अपनी स्टार्ट करी हुई है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मुहिम है जिसको हम भी योगदान दे रहे हैं, चाह रहे हैं कि जो भी कपल गर्भस्थ स्थिति में हमसे जुड़ेगा उसको बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से हम ये चीज सिखा सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेंटल होम, जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा, फीडिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, सारी चीजों के बारे में हम उनसे वहां बात करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजों के को रोक सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा है, बॉटल फीड को रोकना है तो हमें ब्रेस्ट फीड कराना है, ब्रेस्ट फीड कराना है तो हमें बच्चों को जल्दी चेकअप करना है। तो सबसे यही अपील है, आप भी दादी नानी हैं, जहां कहीं भी किसी के यहाँ खुशखबरी आने की नोटिस हो तो जरूर हमारे इस व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से जुड़े, बहुत सिंपल है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने राय हमारे लिए रखी, और ऐसा बहुत कम होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, और ये समझाइश जरूर सभी ग्रैंड पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए, आपको आप बहुत बहुत आदर है, लेकिन समय और माहौल के हिसाब से बहे ना, आपके बचपन में जो चीजें थी हो सके तो वो अपने पोतों पोतियों के बचपन में वापस इंट्रोड्यूस करें, भले वो खेल हो, बोली हो, अपनी रीजनल बोली हो, खान पीन हो, खाने पीने का तरीका हो। तो ये क्या आजकल जो भी डिब्बा बंद या पैक्ड जो चीज आती है ये बड़ी लुभावनी और बड़ी डेकोरेटिव वे में आती है, और हमें भी लगता है शायद कि इस तरह से डेकोरेटिव चीज देने में हमें ज्यादा आनंद प्राप्त होगा, लेकिन उसके अंदर का न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ के ऊपर क्या वो असर डाल रहा है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और सभी से ये गुजारिश है कि रीजनल फूड, हमारे जो आसपास जो उपलब्ध है, नेचुरल फॉर्म में जो उपलब्ध है, वो जरूर लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें महंगे ऑर्गेनिक फूड्स लेने हैं, हमारे आसपास थोड़ा सा झांकेंगे तो आज भी वो बाजार जिंदा है जहाँ पे कि आज भी ये सारी चीजें नेचुरल फॉर्म में पुराने जमाने के हिसाब से मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि महंगा ही लेना है, सभी तरह का मिलता है, पर यह है कि नेचुरल चीजें जितनी भी है हम अगर वो दें तो वो ज्यादा अच्छा है। और जितने भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको यदि मतलब अपना दूध पिलाया जाए, माए उनको अपना दूध पिलाए तो वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है। बॉटल फीड कराते भी हैं तो ध्यान ये रखें कि रात में उनके मुंह में बॉटल ना छोड़े, उससे क्या है कि कैविटी का ज्यादा खतरा है, ये मैं अच्छे से मेरा अनुभव हो गया है इस चीज का, और इसी वजह से बहुत परेशानी आई है, लेकिन अभी हम काफी संतुष्ट हैं। और हमारी पोती तो मतलब इस समय काफी, उसने जो ट्रीटमेंट लिया है बहुत अच्छे से लिया है और वो सब कम्प्लीट हो चुका है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप दूर रहते हैं तो दूर जितने भी पेरेंट्स हमारे जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं उनके साथ साथ आपके लिए भी एक मैसेज मैं दे रहा हूँ कि फोटो वीडियो के माध्यम से, उसके संबंधित भी एक फोटो हमने अभी बनाया, वीडियो बनाया है, उस टेक्निक से आप सिंपल तरीके से वीडियोस हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में अगर भेजते रहेंगे तो ट्रीटमेंट के बाद जो कोई कमी पेशी आ रही है उसके ऊपर हमारी नजर रहेगी, और जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे नियरेस्ट जो डॉक्टर हमारा अवेलेबल होगा, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होगा, उससे हम जरूर कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि सस्टेनेबल एंटीसिपेटरी गाइडेंस को हम फॉलो कर सके, मेंटेन कर सके, और डिसीज्ड कंडीशन को हम एक ऐसे समय तक ले जाएं ताकि हमारे पक्के दांत अच्छे से आ जाए और हमारा ये जो नुकसान हुआ है उसको हम भर पाए। आपने समय, अंत में डॉक्टर साहब का दिल से आभार, बहुत बहुत आभार है कि मतलब उन्होंने इतने अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है। आपने भी बहुत अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट किया, एक कॉन्फिडेंस दिखाया और बात को समझा और पूरा ट्रीटमेंट लिया, है ना।
तो उसके लिए भी मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि ये डिसीजन मेकिंग कर लेना भी बहुत कठिन होता है कई बार पेरेंट्स के लिए, जो कि मैडम ने लिया है, और इस इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपने जो सहमति दी है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने में, समझने में, डिसीज को, बच्चों की कैविटीज को समझने में बड़ा योगदान देगा, उनको हेल्पफुल देगा, उनके मन में कुछ सवाल होंगे उनके जवाब इससे मिलेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी यात्रा शुभमय।